गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। दिस इज योर होस्ट आशीष बरुआ फ्रॉम बरुआज वे। आज है 15th of July 2022। प्लीज वॉच टिल द एंड टू गेट द मोस्ट इंफॉर्मेशन। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक द वीडियो एज इट इंस्पायर्स मी टू पुट मोर इफोर्ट एंड मेक न्यू बेटर क्रिएटिव एंड इफेक्टिव कॉन्टेंट फॉर यू। विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन। डॉलर इंडेक्स हाई 109.29, अभी है 108.48। वीकनेस की सिग्नल्स दिख नहीं रही है, सो हमेशा इंतजार करना पड़ेगा कुछ वीकनेस के लिए। मार्केट अभी 26-27 जुलाई के फेड पॉलिसीज के ऊपर नजर रख रहा है। डॉलर रुपी हमारे इंडियन ट्रेडिंग आवर्स पे हाई जो ट्रेडेड हुआ था वो 79.92 था, लेकिन 5 बजे के आसपास ये ऊपर चढ़ने का शुरू कर दिया एंड हाई जो ट्रेड हुआ 80.2021 तक। ये हमारे इंडियन मार्केट ट्रेडिंग आवर्स में हुआ नहीं है, ये ग्लोबल मार्केट आवर्स में हुआ हमारा मार्केट क्लोज होने के बाद, और अभी है ये 79.89। दो कंडीशंस में डॉलर रुपी विल स्टार्ट एप्रिशिएटिंग। क्या है वो दो कंडीशंस? एक नंबर है ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस इम्प्रूव हो, सुधार हो, तभी जाके रुपी में भी थोड़ा स्ट्रेंथ आ सकता है। दूसरा क्या है? दूसरा है आरबीआई कुछ स्ट्रिक्टर कंडीशंस लागू करे, समथिंग लाइक डन इन 2011। तब तक ट्रेड विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। जीबीपी डॉलर वीकनेस बरकरार है। कल ट्रेड हुआ है इन बिटवीन 1.1893 और 1.1760। जब तक रिवर्सल सिग्नल्स का कोई अता पता ना हो तब तक सेल ऑप्टिक्स में भी कंसीडर्ड करना चाहिए। यूरो डॉलर पेरिटी के नीचे 0.9952 लो ट्रेड करने के बाद ये वापस 1.00 के ऊपर आया और अभी है 1.0035। साइकोलॉजिकली क्रूशियल लेवल है और जब तक बहुत बड़े स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तब तक 0.9950 एंड 1.000 प्रोटेक्ट करना चाहिए। हमें प्राइस एक्शन के ऊपर नजर रखना होगा। जेपीवाई आईएनआर हाई ट्रेडेड 139.39। ये करेंसी पेयर भी सॉफ्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बीओजे के मूव के ऊपर नजर रखना होगा और तब तक बाय डिप्स में भी कंसीडर्ड विथ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस। जीबीपी आईएनआर क्रूशियल सपोर्ट एरिया पे स्ट्रगल कर रहा है। एक और जीबीपी डॉलर वीकनेस इस करेंसी पेयर को नीचे लाने का कोशिश कर रहा है, तो अदर साइड में डॉलर रुपी इसको ऊपर खींचने का प्रयास कर रहा है। अभी हमें यहाँ पे प्राइस एक्शंस के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि ये रिवर्सल्स देता है या नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन। अभी स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशंस का कोई सिग्नल्स नहीं है क्योंकि कैंडल या जो प्राइस एक्शंस है बहुत छोटे छोटे कैंडल फॉर्म कर रहा है। सेम विथ यूरो आईएनआर एंड जीबीपी आईएनआर। डॉलर कैंडी परसों एक सेल ऑफ हुआ था एंड इट ट्रेडेड लो ऑफ 1.2936, लेकिन कल इक्वली ऊपर की तरफ एक अप मूव देखा गया और ये जो क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल था दैट इज 1.3075 इसके ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज दिया है। लेकिन एक छोटा सा ये हो गया कि ये जो हाई वीक्स है अगर इसका हाई कितना है 1.3223 और अभी है 1.31, यानी मोर देन 100 बेसिस पिप्स का एक वीक्स है, यानी प्राइस यहाँ पे हेवीली गॉट रिजेक्टेड है। इसको अगर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करना है तो ये हाई के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा ऑन आवरली बेसिस। तो अभी ये जो रेजिस्टेंस लेवल है इसको तो ब्रेक कर चुका है, लेकिन ये जो वीक है यानी ये जो शेडो है, ये शेडो क्या बोल रहा है? यही बोल रहा है कि अपर साइड में काफी तगड़ा प्राइस
रिजेक्शंस हुआ है, यानी हमें अभी यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन या वापस नीचे की तरफ आने का एक संभावना हो सकता है जब तक इसके हाई के ऊपर कंटिन्यू ना हो, फॉलो अप ना दिखे। ऑसी डॉलर में एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशंस हुआ है, ये एक जो स्पिनिंग टॉप है काफी क्रूशियल स्पिनिंग टॉप है, यानी ये रुको बोल रहा है, वेट एंड वॉच। क्या वॉच करना है? प्राइस जब तक आपका 11 जुलाई के हाई के ऊपर क्लोज ना दे देता है तब तक ये जो स्पिनिंग टॉप या डोजी कैंडल्स है इसका कोई इंपॉर्टेंस या रिलेवेंस नहीं है, तब तक ये पॉज कैंडल्स की तरह काम करेगा। हाँ, इसके लो के नीचे एक कंटिन्यूएशन हम देख सकते हैं। डॉलर सीएनएच में कल ये जो ट्रायंगल ब्रेकआउट की कोशिश किया था लेकिन अपर लेवल पे प्राइस रिजेक्शन हो चुका है, दैट मींस ये जो ब्रेकआउट है कन्विंसिंग हुआ नहीं है, हमें अगर इसको ऊपर जाना है तो कन्विंसिंगली इसको तोड़ना पड़ेगा जो अभी तक दिखा नहीं है, तो हमें फिर ऐसा ना हो कि दोबारा ये ट्रायंगल के अंदर में आ जाए एंड इट विल बी ट्रीटेड एज ए फॉल्स ब्रेकआउट ऑन द हायर साइड। यूके ऑयल कल लो ट्रेड किया है 94.55, ये क्या कैंडल बनाया है? एक पिन बार बनाया है, पिन बार परफेक्ट पिन बार है ऑन सपोर्ट एरिया पे। इसका मतलब क्या है? देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ये जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज यूके ब्रेंट ऑयल ऊपर की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है एंड पहले ये 107 की तरफ जाने का कोशिश करेगा एंड उसके ऊपर अगर सस्टेन कर पाएगा तो आपका ये 113-114 की तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। इसके लो के नीचे यानी ये पिन बार के लो के नीचे दैट इज 94.50 के लो के नीचे ये जो एंटिसिपेशन है या एनालिसिस है निगेट कर जाएगा। आइए अब हम देखते हैं यूएस 10 ईयर ट्रेजरी, यहाँ पे प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है। जब तक ये एफओएमसी का रेट डिसीशन यानी फेड रेट डिसीशन नहीं आता है, यानी 26-27 जुलाई का फेड रेट डिसीशन के ऊपर नजर है, तब तक लगता नहीं कि इधर साइड ब्रेकआउट होगा, ना ही ऊपर की तरफ जाएगा ना ही नीचे की तरफ आएगा, ये अंदर में ही कंसोलिडेट करेगा बिकॉज ये जो एफओएमसी मीटिंग है फेड का रेट डिसीशन से इट्स अ वेरी क्रूशियल वन। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक share, subscribe and comment down below your thoughts of this video. It helps out greatly. Thank you again. This is Ashish Barua from Barua's Way signing off.